माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी सहित बॉलीवुड की कई कलाकारों को डांस सिखाने वाली मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन हो गया। 72 साल की सरोज खान पिछले कुछ समय से बीमार थीं और अस्पताल में भर्ती थीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को रात 1:52 पर कार्डियक अरेस्ट के चलते उनका निधन हुआ। बता दें कि सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद सरोज खान को 17 जून को मुंबई के बांद्रा में स्थित गुरु नानक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। सरोज अपने पीछे अपने पति बी सोहनलाल, बेटे हमीद खान और दो बेटियों को छोड़ गई हैं। सरोज दरअसल पिछले कई दिनों से डायबिटीज और इससे संबंधित बीमारियों से जूझ रही थी। अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद उनका कोरोना जांच भी हुआ था और रिपोर्ट निगेटिव आई थी। सरोज खान 3 साल की उम्र में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम करना शुरू किया था। उन्हें 1974 में पहली बार फिल्म गीता मेरा नाम में बतौर कोरियोग्राफर काम करने का मौका मिला। 3 बार नेशनल अवार्ड अपने नाम करने वाली सरोज ने 2000 से ज्यादा गानों को कोरियोग्राफ किया। इसमें 1987 में आई मिस्टर इंडिया फिल्म की मशहूर हवा हवाई सहित तेजाब का 1, 2, 3 और बेटा का धक धक करने लगा जैसे मशहूर गाने शामिल हैं। उन्होंने देवदास में भी डोला रे डोला गाने को कोरियोग्राफ किया। सरोज ने बतौर कोरियोग्राफर आखिरी फिल्म कलंक थी। करण जौहर के प्रोडक्शन वाली इस फिल्म में उन्होंने माधुरी दीक्षित के एक गाने तबाह हो गए में नृत्य दिया था। इससे पहले वे कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी में भी एक गाने को कोरियोग्राफ कर चुकी हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।